केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ जिलाधिकारी के अर्दली की शिकायत लेकर आज फिर से प्रवेश विहार का पीड़ित परिवार आईजी ऑफिस पहुंचा। पीड़ित रीना ने आरोप लगाया कि डीएम कार्यालय से जुड़ा होने के कारण वह लगातार रौब गालिब करता हुआ घूमता रहता है। 12 अक्टूबर को अर्दली व उसके परिजनों ने उन लोगों के साथ मारपीट की थी, इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित महिला का आरोप है कि उनके घायल लोगों का मेडिकल कराने के निर्देश आईजी ने एसओ मेडिकल को दिए थे, लेकिन एसओ ने इस आदेश को भी अनसुना कर दिया। आईजी ऑफिस एक बार फिर से गुहार लगाने पहुंची पीड़ित महिला ने कहा कि यदि उनके पति के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई पुलिस ने की तो वह बच्चे समेत आईजी कार्यालय पर आत्महत्या कर लेगी। दरअसल 12 अक्टूबर को प्रवेश विहार निवासी रीना व उनके परिजनों का सामने रहने वाले अर्दली विनोद कुमार से झगड़ा हुआ था। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी और इसी आधार पर रीना आरोपी विनोद कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। आज आईजी ऑफिस पहुंची रीना ने FirstBite.tv को यह कहा। मेरा नाम रीना है, मैं प्रवेश बिहार के रहने वाली हूं। आईजी ऑफिस क्या है मामला? आईजी ऑफिस हम इसलिए आए हैं कि हमारी 12 तारीख में हमारे सामने वालों से लड़ाई हुई थी। सामने वाले सामने वाले डीएम ऑफिस में काम करते हैं विनोद कुमार, उनकी पत्नी है, उनके बड़े भाई हैं, उनकी बेटी है, उनके जेठ का लड़का है, हमारे साथ आए दिन मारपिटाई करते रहे हैं। और जब हम थाने गए, हमारे चोट लगी पड़ी थी, हम थाने गए, हमारा मेडिकल भी नहीं करवाया, खून निकल रहा था, हमें बिठा कर रखा पूरे दिन वहाँ पर। हमारे पति की वहाँ पर पिटाई करवावे हैं, हर बार वहीं पर बिठा लें, हम ही तो केस करने के लिए जावे हैं। शिकायत करी थी, थाने वालों ने क्या कार्रवाई करी? थाने वालों ने तो कुछ कार्रवाई नहीं करी, 151 में हमें बिठा लिया वहाँ पर। और 151 जब हमें वहाँ बिठा रखा है तो हमारे पति पे कपड़े फाड़ने का इल्ज़ाम कैसे लग गया? क्या बताओ, ये चार धारा कैसे लग गई जब हम वहीं पे बैठे थे और वहीं पे ही वे बैठे थे। साढ़े छः बजे डॉक्टर ऑफिस भी आई थी वहाँ पे, आप वहाँ भी आपने शिकायत पत्र दिया था, वहाँ से क्या कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई अभी वहाँ पे, हमारी तो कोई वो भी नहीं लिख रहा, मुकदमा भी नहीं लिख रहा, रिपोर्ट भी नहीं लिख रहा हमारा तो कोई। अगर मेरे बच्चे हैं, अगर मेरे पति को कुछ भी हो गया ना, झूठे आरोप में मेरे पति को पकड़ लिया गया, तो मैं अपने बच्चों को यहीं पे ही आकर ना आत्महत्या कर लूँगी अपने बालकों को लेकर। ये मेरा बच्चा है, स्पेशल चाइल्ड है, ये बोलता भी नहीं है, हम क्या करेंगे अगर हमारे पति जेल में चले गए तो? थाना कौन सा है? थाना मेडिकल थाना है, धमकी देवे कि रहने देने के यहाँ पे। धमकी कौन देता है? विनोद कुमार और उसकी वाइफ। ये कहता है कि मैंने तो उनकी तो पहुंच है, वे तो कह रहे हैं कि पहुंच दिखाऊं, पहुंच दिखाएंगे अपनी पावर से मिलो। आईजी ने क्या आश्वासन दिया? आईजी साहब ने मिले यहाँ पे, आईजी साहब ने तो उस दिन फोन कर दिया था 12 तारीख में, इनकी फोन करने के बाद भी डॉक्टर ही नहीं करवाई हमारी। आईजी साहब से भी बड़े हो गए वे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।